बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम का एक वीडियो वायरल हुआ था, गाली गलौज, हाथ में देशी कट्टा, सिगरेट फूंकते हुए, गाली गलौज करते हुए, पीड़ित को धमकाते हुए, इस तरीके का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले के अंदर पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने में भी लंबा समय लग गया। 11 फरवरी की यह घटना थी। लोगों के दबाव के बाद इस मामले के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ और उसके 9 दिन बाद आज आरोपी शालिग्राम को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में उसे पेश किया गया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उसे जमानत मिल गई। लोगों को उम्मीद थी कि शालिग्राम को जेल में रखा जाएगा, लेकिन शालिग्राम को 25,000 के नीचे भूचलके पर जमानत मिल गई। दरअसल इस मामले में जमानत मिल चुकी है। भीम आर्मी के द्वारा ऐलान है, छतरपुर के अंदर 17 मार्च का किया हुआ है, वो पीड़ित परिवार के साथ आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इस मामले के अंदर आपको बता दें कि साफ नजर आ रहा है कि पीड़ित परिवार के साथ है वो भीम आर्मी और संगठन खड़े हैं, लेकिन आज कोर्ट के अंदर शालिग्राम जो था उसको कुछ ही घंटों के अंदर है वो जमानत मिल गई। उसे कोर्ट में आपको बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था छतरपुर जिला कोर्ट के अंदर, जहां से आपको बता दें कि उसे जमानत है वो मिल चुकी है। 25,000 रुपये के निजी मुचलके के ऊपर जमानत दे दी गई। इस मामले में वकील क्या कुछ कह रहे हैं, कुछ प्राप्त हुई है सीएल पंडित जी के माध्यम से कि उन्हें 25,000 रुपए की जमानत पर छोड़ दिया गया। कौन कौन थे आरोपी जो उनको पेश किया गया था? उसके शालिग्राम जी थे और उनके साथ मामले में दर्ज किया गया 323/4, 500/6, 25/27 किसकी स्पेशल कोर्ट में साहब हाजिर किया गया था। नाम क्या है? शालिग्राम, आरोपी का नाम शालिग्राम। क्या आदेश क्या हुआ है? आदेश ये हुआ है कि उनको जमानत पे बॉन्ड पे छोड़ा जाता है और बाकी केस उसका ट्रायल पे चलेगा। दोनों को जमानत मिली। आप साहब जो कट्टे की जो जानकारी है जो थोड़ा सा चार्जशीट पढ़ के ही बता पाए।